खाने का मन हुआ गुड़ पारे, तो उसी की तैयारी कर रही हूँ गुड़ पारे बनाने की, जिसमें कि हम आधा से ज़्यादा आटा, लगभग 3 चम्मच मेरे पास नाप है, और उससे आधा मैदा ली हूँ। गुड़ पारे बनाने के लिए तो जानती हैं गुड़ की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, और खस्ता के लिए हम इसमें घी डाले हैं, ओरिजिनल घी जो कि हम घर में ही बनाए हैं घी, उसी को मैं मिला रही हूँ। सोची बना ही रही हूँ आज संडे स्पेशल, तो आप लोगों के साथ शेयर करने में क्या जाता है, और अकेले बोर भी हो रही थी सोची आप लोगों के साथ सब शेयर कर लूँ। तो हमारा आटा देखिए रेडी है, बस गूंदना बाकी है गुड़ पारे के लिए। तो ये जैसे निमकी बोलते हैं उस तरह का ही शक्कर पारे तो बनाए हैं, गुड़ पारे पहली बार बना रही हूँ, वो भी सौरिया के लिए। बचपन में खाते थे बहुत गुड़ पारे खाते थे हम लोग, मतलब हम भाई बहन लोग बहुत ज़्यादा गुड़ पारे खाते थे, बहुत टेस्टी लगता था, उसमें सौंफ भी दिया जाता है। तो सब आटा गूंदना बाकी है, आटा गूंद के फिर दिखाती हूँ आप लोगों को, तब तक सब लोग बने रहे। ये देखिए गाइस हम आटा गूंद रहे हैं, ट्राई कर रही हूँ कि कैसा बन रहा है गुड़ पारे। ऐसे तो गुड़ पारे ठंडा दिन में ज़्यादा खाते हैं सब लोग बड़े चाव से, और हम पूरा मैदा यूज नहीं कर रही हूँ, आटा सेहत के लिए अच्छा। तो इसका रेसिपी हम अपनी मम्मी से पूछे थे, तो वो बोली निमकी की तरह पहले इसको बेल करके काट के छांक लो, फिर गुड़ का रान बना के उसमें ऐड कर दो चाशनी, गुड़ का चाशनी। गाइस किसको किसको शक्कर पारे या गुड़ पारे खाना पसंद है आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, और बाकी तो मैं बना के आपको दिखा रही हूँ, मतलब दिखाऊंगी कि कैसा बना है, जल्दी बताइए। फटाफट आटा गूंद लेती हूँ फिर मिलती हूँ। तो फिर हमारा आटा गूंद के हो गया है रेडी, गूंदा गया है उसको गोल गोल सेप में करके, बच्चों की खुशी के लिए माँ को कितना पापड़ बेलना पड़ता है। फिलहाल तो गुड़ पारे बनाने के लिए बेल रहे हैं आटा को, यहाँ पे दिक्कत हो रहा है थोड़ा, क्योंकि कैमरा के सामने बेलना, कैमरा भी देखना और बेलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, और इधर छुट्टी भी नहीं मिल पा रहा था, सौर्य का एग्जाम भी है, सब चीज़ देखना पड़ता है, इसके बाद सौर्य के पापा का ड्यूटी भी, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। देखिए अब बस इसमें कट करना बाकी है, थोड़ा मोटा ही बेली है, ये रहा चाकू। पतला पतला इसमें कट लगा दिए, ऐसे तो वो जैसे कि बेसन का गठिया बनाने के लिए फ्रेम आता है उससे भी काम हो जाता है ये देखिए, लेकिन मेरे पास वो मशीन तो है नहीं, तो इस तरह का शेप में हम काट लिए हैं, रुकिए इस तरह से हम काटे हैं उसको, साइड में सारा जब कट जाएगा तो मैं इसको फ्राई करूंगी। ये देखिए तो अब हम इसको फ्राई कर रहे हैं, तो सब मुश्किल हुआ वो बीच वाला नहीं दिखा पाए कि कैसे मतलब इसमें कढ़ाई में डालें। तो गाइस ये देखिए
ये फ्राई हो रहा है स्लोली स्लोली। और सौरिया वहाँ पे देख रहा है टीवी, अच्छी कुछ सो रहा है, देख सकते हैं। और हम बना रहे हैं इन लोगों के लिए गुड़ पारे। तो कट गया है, एक कट के बचा हुआ है और एक फ्राई हो रहा है। तो ये देखिए ये फ्राई हो चुका है, अब बस गुड़ का चाशनी बनाना बाकी है। एक थोड़ा सा और निकालना है, एक दूसरा फ्राई हो रहा है, जब सारा फ्राई हो जाएगा तब गुड़ का चाशनी बनाएंगे। तो गुड़ का चाशनी बनाने के लिए गाइस ये देखिए यहाँ पे मिलता है भूरा गुड़ का, यहाँ पे रावा गुड़ नहीं मिलता है जैसे नॉर्थ इंडिया में मतलब मिलता है, वैसा नहीं मिलता है साउथ में। तो ये इसका भूरा का इस्तेमाल करेंगे हम। गाइस अब लास्ट प्रोसेस बचा है भूरा का, आइए नज़दीक से दिखाते हैं। तो बस कढ़ाई में भूरा देना बाकी है। तो हमारा गुड़ धीरे धीरे पिघल रहा है, ये देखिए फ्रेंड। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल कुक तो हो नहीं हूँ जो कि मैं आप लोगों को रेसिपी बनाऊँ, मैं खुद ही पहली बार बना रही हूँ अपने बच्चों के लिए। तो जज आप लोग प्लीज़ मत करना हमको कि ऐसे नहीं बनाए, ऐसा नहीं बनता है। तो अगर कुछ भी गलती हो तो उसके लिए सॉरी चाहती हूँ, और मैं बस अपने बच्चों के लिए ट्राई कर रही हूँ उसकी खुशी के लिए। तो ये देखिए हमारा गोल पिघलना शुरू हो गया है। जैसे कि अक्सर चाशनी बनाते हैं तो उसमें तार होता है ना, तीन तार होता है, एक दो तार, तो हमको इसमें ज़्यादा तार नहीं करना है, दो तार मतलब हल्का सा चिपचिपा, वो मैं आपको दिखाऊंगी चेक करके, तब उसमें वो डाल देना है, ज़्यादा उसमें तार नहीं करना है। आप चाहें तो इसमें सौंफ डाल सकते हैं, लेकिन सौरिया को सौंफ वाला पसंद नहीं, इसीलिए हम बिना सौंफ वाला ही बनाएंगे। तो गाइस देखिए हमारा चाशनी बन के हो गया है रेडी, अब इसमें डालूंगी और इसको चलाऊंगी। एक हाथ से चलाने में नहीं बन रहा है, तो ये देखिए कैसा खोल रहा है। अब बस हम इसको सेट होने का वेट करेंगे ताकि ये अलग अलग हो जाए, गुड़ इसमें बढ़िया से मिल जाए। तो गाइस जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक सात्विक को जगाने चलते हैं, क्योंकि शाम हो चुकी है, 6 बज गया है। तो सात्विक देखिए अभी सो रहा है, और सौरिया तो आज पूरा दिन टीवी देखा है, वो भी पूरा हॉलीवुड पिक्चर चल रहा है सुबह से मेरे घर में गाइस। तो अभी सात्विक को जगाऊंगी। सात्विक सात्विक उठो बेटा। और आज मौसम वैसे भी बहुत अच्छा किया है, रात में बारिश हुई थी, आज दिन में भी गर्मी थोड़ा कम है क्योंकि बारिश की वजह से ला जाए हम आपको बाहर का मौसम। ये देखिए हमारे खिड़की के पास आपको पीकॉक नजर आएगा, आप देख सकते हैं। जैसे ही गेट खोले वैसे ही हमको पीकॉक का दर्शन हुआ है, देखिए कैसे बैठा हुआ है। आप देख सकते हैं देखिए कैसे बैठा हुआ है पीकॉक। सात्विक भी उड़ गया हड़बड़ा के पीकॉक देखने के लिए। सात्विक पीकॉक बेटा। तो फ्रेंड अभी हम छत पर जा रहे हैं क्योंकि मोर उड़ करके आया है। बाबा कितना सुंदर है, देखो दो मोर। हटो हटो, तो मैं आपको दिखा रही हूँ मोर। ये हमारे छत पे बैठे हुए हैं, उड़ गया। तो पीकॉक उड़ के चला गया गाइस। हाँ अभी दूसरे की छत पे बैठ गया है, दो गुमोर था, मजा आ रहा था देख। जैसे ही बादल सा दिन करता है वैसे ही मोर आने लगता है, जैसे कि हम आपको बहुत सारे वीडियो में दिखाएंगे कि हमारे
घर के आसपास जंगल ही जंगल है, देखिए है ना। मैं फिर से एक बार आपको दिखा रही हूँ, तो यहीं से आता है मोर। बहुत अच्छा जगह है जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं तमिलनाडु का। अभी सनसेट हो रहा है, ये देखिए। अभी सनसेट हो रहा है, चलो नीचे चलो। गुड़ पारे बन के रेडी हो गया है, तो गुड़ पारे के साथ साथ आप लोगों को पीकॉक का भी दृश्य दिखा दिए। अभी नीचे जा रही हूँ। तो गाइस हम सौर सातवी को छत पर छोड़ कर आए हैं। अभी इसको सेट होने में 8 समय लगेगा, ये देखिए, पर बहुत अच्छा बना है। धीरे धीरे ये सेट हो रहा है, आप देख सकते हैं। आप दोनों भाई के लिए थोड़ा सा लेकर जा रही हूँ गुड़ पारे। देखिए बिल्कुल अलग हो गया ये गुड़ से। गुड़ का कलर ये इसीलिए ऐसा हुआ क्योंकि ये गुड़ नहीं, गुड़ का भूरा मतलब चूर है, इसीलिए इसका कलर ऐसा हुआ है। तो आप देख सकते हैं। तो गाइस किस किस को गुड़ पारे खाना पसंद है कमेंट में ज़रूर बताएं। अभी मैं जल्दबाजी में तो ब्लॉग यहीं पर खत्म करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो गाइस बाय, और हमारा गुड़ पारे कैसे बना है ये भी ज़रूर बताएँ। और जैसे कि हम आपको दिखाएँ, जैसे हम बहुत मतलब हमको जो सच में यहाँ बहुत अच्छा लगता है, जैसे गेट खोले वैसे ही मोर हमारे घर के आगे बैठा हुआ था। दो गो हमारे छत पे भी मोर था। तो अभी मैं फिलहाल जा रही हूँ जल्दी से सोया सब्जी को खिलाने के लिए। तो गाइस प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, हमको सपोर्ट करें। गाइस बाय। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? ये देखिए आज हम संडे स्पेशल बनाए हैं गुड़ पारे। तो गाइस गुड़ पारे खाना किसको पसंद है कमेंट में ज़रूर बताएं।